बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू राशिद अपडेट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियोस। लिसनर, बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के धरने में एक अहम पेशरफ सामने आई है। वकला ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है, जिसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, तमाम ज़िलाई डिप्टी कमिश्नर और ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं का इजलास कल तलब कर लिया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी अजला की डिप्टी कमिश्नर और ग्रैंड अलायंस के कायदीन को कल तलब कर लिया। मुलाजमीन के एहतजाज और धरने को सूबाई हुकूमत और इंतजामिया संजीदगी से नहीं ले रही। नसीबुल्ला तरीन एडवोकेट ने अपने बयान में कहा, वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया, जबकि सूबाई मुलाजमीन इससे महरूम हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। बुनियादी हकूक़ के लिए एहतजाज का हक आइन देता है। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और सूबाई मुलाजमीन की इससे महरूमी आइन की खिलाफ वर्जी है, दरख्वास्तगार के वकील ने अपने मौकूफ में कहा। हुकूमत और इंतजामिया के साथ ग्रैंड अलायंस को भी दरख्वास्त में फ्रीक बनाएं। बेंच के जजेस के रिमार्क्स, अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और ग्रैंड अलायंस के कायदीन को कल तलब कर लिया। लिसनर, ये एक आम पेशरफ्त है। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल का विज़िट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।